हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बना रहे हैं सबका फेवरेट, गर्मियों में बहुत यूज़ होता है, कुल्फ़ी फालूदा। तो जो कुल्फ़ी फालूदा हम बना रहे हैं, उसके लिए जो कुल्फ़ी मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैं आपके साथ उसकी रेसिपी पहले शेयर कर चुकी हूँ। ये हम रबड़ी कुल्फ़ी जो हमने बनाई थी उसे मैंने इस तरह से सिलिकॉन मोल्स में जमा रखा है। तो आप इसकी जगह पे मलाई कुल्फ़ी भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो जो आपको ज़्यादा अच्छी लगी हो आप वो वाली कुल्फ़ी यूज़ करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैंने देखी यहाँ पे थोड़े से टॉल ग्लासेस लिए हैं फालूदा बनाने के लिए, कुछ इसी तरह के ग्लासेस की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मैं क्रश्ड आइस यूज़ कर रही हूँ। ये मैं इस तरह से 2 टेबलस्पून के नियर अबाउट इसमें क्रश्ड आइस यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने सब्जा सीड लिया हुआ है, ये इसे आप बेसिल सीड के भी नाम से जानते हैं, तूत मलंगा भी कुछ लोग कहते हैं। तो ये मैंने 10 मिनट पहले पानी में इसे भिगो के रख दिया था। तो 1 टीस्पून हम ये ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं अब ये रोज़ सिरप यूज़ कर रही हूँ। ये मेरा होममेड रोज़ सिरप है और इसकी रेसिपी मैं आपको पहले एपिसोड में शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको इन सारी रेसिपीज़ की लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप देख सकते हैं। तो 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे ये रोज़ सिरप डाला है। आप देखिए ये घर का बना हुआ रूह अफ़ज़ा है और कितना गाढ़ा है, ये आप इसका देख रहे होंगे टेक्स्चर। और इस तरह से मैं थोड़ा सा ये इसकी बॉल्स पे लगा रही हूँ, बहुत थोड़ा सा लगाएंगे। नेक्स्ट हम इसमें ये फलूदा यूज़ करेंगे और आप देख रहे होंगे कि ये फालूदा की जगह जो वर्मसेली बाज़ार में आती हैं, ये सिंपल वही वर्मसेली मैंने ली हुई हैं और इसे सिंपल पानी में बॉईल कर लिया है। और बॉईल करने के बाद इसे ठंडे पानी में बिल्कुल आइस कोल्ड वाटर में डाल दिया था, तो इस तरह से ये खिली खिली मेरी सेवियाँ जो हैं फलूदा वो तैयार हो गई हैं। तो ये आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा डाल सकते हैं, ये हमारे यहाँ ज़्यादा पसंद की जाती है। तो मैं 2 टीस्पून डाल रही हूँ। यहाँ पर अब मैं कुछ कटे हुए फ्रूट्स यूज़ कर रही हूँ। जो भी सीजनल फ्रूट अवेलेबल हो आप कोशिश करें कि फ्रेश फ्रूट ही यूज़ करें। आजकल मार्केट में आम है, चेरी है, बनानास भी बहुत अवेलेबल हैं, तो आपके पास जो घर में अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये थोड़े से चॉप किए हुए मैंगो डाल रही हूँ। ये फ्रेश मैंगो हैं और थोड़ी सी ये कटी हुई चेरीज़ हैं। अब मैंने जो ये कुल्फ़ी तैयार की थी वो निकाल रही हूँ। आप ये देखिए इस तरह से बहुत ही इजीली ये निकल आती है और मैंने ये डाल दी इसमें। वापस मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोज़ सिरप यूज़ कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून के नियर अबाउट। एक लेयर देंगे वापस से सब्जा की। ये काफ़ी हेल्दी होता है फ्रेंड्स, आप इसे अपनी डेली डाइट में भी यूज़ कर सकते हैं। फालूदा, ये जो फ्रूट्स हैं ये थोड़े से और डालेंगे हम। यहाँ पे मैंने बिल्कुल चिल मिल्क लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा रोज़ सिरप ऐड किया है, बिल्कुल ठंडा दूध है। हम ये थोड़ा सा फिल करेंगे इसमें। और लास्ट में डालेंगे अपना ये फलूदा। थोड़ा सा सब्जा सीड, ये सिर्फ आप डेकोरेशन के लिए है। और ये है मेरे पास बनाई हुई रबड़ी, जिसका मैं लिंक आपको दे दूंगी। ये बहुत ही जल्दी झटपट से तैयार होने वाली रबड़ी है, within 5 मिनट ये रबड़ी तैयार हो जाती है। और इसी रबड़ी से मैंने वो आइसक्रीम तैयार की थी जो मैंने लेयरिंग में लगाई है।
तो ये हम डालेंगे 1 टीस्पून, इससे इसका टेस्ट और क्रीमी हो जाएगा। अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें ये चॉप्ड नट्स। यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से जो आपको पसंद हो वो वाले नट्स यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल तैयार है फ्रेंड्स, इसकी लेयर्स देखिए, इसे मैं डेकोरेट कर रही हूँ। यहाँ पे ये देखिए मेरे पास फ्रेश चेरी है और मैं इस तरह से इसे डेकोरेट कर रही हूँ। और बिल्कुल तैयार है खाने के लिए हमारा रबड़ी फलूदा। देखिए कितनी झटपट से तैयार हो गया। तो कुछ चीज़ें हैं अगर आपके पास गर्मियों में तैयार फ्रिज में रखी हुई हैं, जैसे रबड़ी है या आइसक्रीम है, तो आप फटाफट से घर में बच्चों की फरमाइश होने पर इस तरह से रबड़ी फलूदा तैयार कर सकते हैं। तो आप ये देखिए, इसकी एक एक लेयर आपको अलग दिख रही होगी और जब आप इसे खाएंगे तो यू विल फील लाइक यू आर इन हेवन। बहुत अच्छा लगेगा आपको खाने में। और एक बार ट्राई ज़रूर करें और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।